अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस्लामी तैयारी में आज हम पेज नंबर 86 पर चौथा चैप्टर सीरत तैयबा स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा। इंसानियत की सबसे बड़ी और मुकद्दस खिदमत यह है कि अफकार अखलाक और अमाल की इसलाह की जाए और हर किस्म के अच्छे अखलाक मसलन तकवा एहसान दरगुजर अज़्म इस्तिक़लाल इसार गैरत खिदमत खल्क वगैरह के असूल वज़ा किए जाएँ बनाए जाएँ और फिर तमाम दुनिया में इनकी अमली तालीम को रवाज दिया जाए यानी फैला दिया जाए जारी कर दिया जाए ताकि इंसानी किरदार की तामीर हो और इंसानियत की एक मुकम्मल सूरत वजूद में आए। इस मकसद को हासिल करने का एक काम तरीका तो वाज़ो नसीहत है यानी दुनिया को बताना और नसीहत करना। इससे बेहतर और तरक्की याफ्ता तरीका यह है कि अखलाक पर आला दर्जे की किताबें लिखी जाएं और मुतालिया के लिए दुनिया में इनको फैला दिया जाए या लोगों से अच्छे अखलाक पर अमल कराया जाए और बुरे कामों से उनको रोका जाए। कालिल लोकुम और दिखा रहा था तुम्हें फी में आईनी हिम इनकी आंखें ली यकजी अल्लाहु ताकि फैसला कर दे अल्लाह अमरन मामला काना था मफूला होने वाला व इलल्लाह ही अल्लाह की तरफ तुरजाउल अमूर रुजू करते हैं मामलात में। और इस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफ़रों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको इनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था ताकि जो काम करना मंजूर था इसको कर डाले और जब और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है। ये आपने बा मुहावरा तर्जमा याद करना है और इसके साथ ये जो अल्फाज मानी है इनको अपनी कॉपी पर नोट